मैंने कहा कि पीली मटर का वायदा आने वाला, सबसे पहले इस खबर को लेते हैं। तो सेबी ने पीली मटर के वायदा को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद NCDEX जल्दी इसका वायदा लॉन्च कर सकता है। क्या है पूरी खबर, इसको समझते हैं मेरे सहयोगी मनीषा गुप्ता जी से, जो इस खबर को लेने के लिए आज एंकरिंग नहीं कर रही। मनीषा जी, बड़ी खबर लेके आई हैं आप, पीली मटर का वायदा शुरू करा रही हैं। जी नीरज, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट खबर है जब आप कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के तौर पर इसको देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 से 8 एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि दालें, खाने के तेल और ग्रेन्स एज ऑफ नाउ सेबी ने यहां पर सस्पेंड किए हुए हैं दिसंबर 2024 तक। तो इन सभी चीजों में कमोडिटीज में कारोबार नहीं हो सकता। लगातार इंडस्ट्री ये कहती रही है कि इन्हें खोल देना चाहिए क्योंकि हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है। और जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो ठीक है, इंडिया के बाहर हेज कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी मझौली कंपनीज हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट्स चाहिए ताकि वो हेज कर सकें। अब पीली मटर यहाँ पर सेबी ने पिछले हफ्ते इसको अप्रूव कर दिया था, ये ऑलरेडी अप्रूव लिस्ट में थी, लेकिन इसको लॉन्च के लिए अप्रूवल अब दे दिया गया है। NCDEX के ऑफिशियल से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि अगले एक महीने के अंदर अंदर वो इसको लॉन्च भी कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो येलो पीज की इम्पोर्ट ड्यूटी है वो फ्री है अक्टूबर 31, 2024 तक, और इसलिए हमने बहुत सारा येलो मटर जो है वो भारत में आता हुआ देखा है। फसल भी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो किसानों के तो ये बहुत काम का नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरह से हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है पिछले एक साल में, या जब से मटर का इम्पोर्ट खुला है, भाव 25 से 30% तक गिर चुके हैं, तो क्लियरली जो ट्रेडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसको ये हेजिंग मैकेनिज्म के तौर पर देख सकें। इम्पोर्टेंट होगा ये भी देखना कि NCDEX जिसको ये अप्रूवल मिला है वो कौन से मंथ्स का लेकर आते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर रहती हैं। लेकिन एक बात तय है कि एटलीस्ट दालों में एक चीज है जो आपको अवेलेबल होगी अब यहाँ पर, इवन एज प्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट भी हेज करने के लिहाज से, तो काफी अहम स्टेप यह आता हुआ सेबी की तरफ से। मनीषा जी, चूंकि आपने कहा ड्यूटी फ्री है और बहुत सारा प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ है या गिरा है अपने आप से, मुझे ये समझाइए कि इससे प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी क्या अगर इम्पोर्ट फ्री है तो? इम्पोर्ट क्योंकि खुल गया है तो भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, और क्योंकि आप बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुअर, उड़द, चने की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने पीला मटर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट कर लिया और भावों में बहुत गिरावट देखने को मिली है। जैसे आपने कहा, जहां तक प्राइस डिस्कवरी की बात है, वेल इम्पोर्टेंट ये है कि शायद सरकार भी अब इसके लिए हाँ बोल रही है क्योंकि भाव बहुत ज्यादा यहाँ पर गिर चुके हैं। नीरज जी, काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि खाने के तेल और जो दालें हैं, इवन एज सरकार यहाँ पर लगातार हर साल MSP बढ़ाती जा रही है, सरकार उस MSP को डिफेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी सारे खाने के तेलों में हमने भाव MSP के नीचे आते हुए देखे हैं। सिर्फ दालों में भाव MSP के आसपास हैं और ऊपर हैं तो वहां पर ठीक है, लेकिन क्योंकि पीली मटर में इतने ज्यादा भाव गिर चुके हैं कि सरकार को इस कमोडिटी से तो इन्फ्लेशन की चिंता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक्सचेंज उसको किस शेप एंड फॉर्म में अब लेके आता है लॉन्च करने के लिहाज से। तो मेरे ख्याल में कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए तो काफी अच्छा होगा ये। हाँ जी, कंज्यूमर के लिहाज से तो काफी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यहाँ से अब और नहीं गिर सकते। क्योंकि नीरज जी, जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखना होता है, होल्डिंग कॉस्ट भी देखना होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर चुके हैं वो उसको होल्ड भी करके बैठे हैं और उसकी कॉस्ट भी उनको लग रही है, तो काफी सारे यहाँ पर इन दैट सेंस कॉस्ट यहाँ पर लग जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हम किस महीने से येलो मटर का इम्पोर्ट रादर डेरिवेटिव लॉन्च यहाँ पर होता हुआ देखते हैं, और इंडस्ट्री इसे किस तरह से नजर से देखती है और वो यहाँ पर किस तरह से कारोबार करेगी। ख्याल में अगले महीने तक हो जाएगा, आप कह रहे हैं 1-2 महीने में हो सकता है? जी हाँ, NCDEX ऑफिशियल से मेरी बात हुई थी नीरज जी कल, और उन्होंने कहा था कि विदिन अ मंथ वो इसको अब यहाँ पर लॉन्च करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री काफी एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, उनसे उनका फीडबैक भी जारी है, तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर अब बनने शुरू हो गए होंगे और हम देखेंगे कि आने वाले 15-20 दिन, मैक्स 1 महीने में इसका शायद लॉन्च हो सके। ओके मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी खबर बताने के लिए कि सेबी ने पीली मटर के वायदा को मंजूरी दे दी और NCDEX जल्द ही इसको लॉन्च करेगा। मैटर ऑफ टाइम है कि 21 महीने से लॉन्च होता है पीली मटर का वायदा। सुनील बलदेवा जी भी हमारे साथ हैं। सुनील सर, ये जो खोला गया है इसका वायदा शुरू कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्ट हुआ, प्राइस ग्रेव जैसे मनीषा जी बता रही थी, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, ये जो वायदा खोल रहे हैं इससे? नीरज जी, चूंकि मनीषा जी ने जैसा बताया आपको कि जैसा कि हमें बताया कि दालों में कोई भी दाल जो है वो सारी सस्पेंड थी, केवल पीली मटर के लिए पिछले 3 महीने से सेबी और NCDEX दोनों स्टडी कर रहे थे। सेबी ने कई मीटिंग के भी स्टेक होल्डर के साथ भी ली और
प्रोडक्ट कमेटी के साथ मिली, मैं प्रोडक्ट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो सेबी ने 2 मीटिंग प्रोडक्ट कमेटी के साथ मिली थी और सारी चीजें समझी थी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि दोबारा कोई भी वायदा आए और उसको सस्पेंड करने की नौबत आए। उसके बीच में इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें ली जा सकती है ताकि सरकार पर न कंज्यू, जैसा आपने कंज्यूमर पर भी सवाल किया और इंडस्ट्री पे भी मनीषा जी ने काफी चीजें बताई, दोनों पे ही आंच नहीं आए, ऐसी चीजें लाके सेबी ने बड़ी स्टडी करके इस वायदा को लाए हैं। मेरी कल एनसीडीए से ऑफिशियल से बात हुई, वो भी ये चाहते थे कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि डिमांड ज्यादा रहे और बाजार जो है बढ़ जाए, लेकिन हमें सरकार को और एनसीडीएक्स और सेबी सबको ये समझना होगा, हमेशा वायदा जो है वो तेजी नहीं लाता है। जैसा मनीषा जी ने बताया कि हमने करीबन 21 लाख टन मटर इंपोर्ट कर लिया है, जबकि हमारे यहाँ मटर का केवल कंजम्पशन 18 लाख टन है। अभी भी हमारे पास करीबन 9 लाख टन मटर जो है विभिन्न पोर्टों पे स्टोर्ड है, इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि वो माल बिक ही नहीं रहा है। जो माल 44-45 रुपए से बिकना चालू हुआ था, आज 37 रुपया किलो हो गया है, तो बहुत बड़ी मंदी आ गई है और इंपोर्टर काफी जो है लॉस में हो गए हैं और वो अपने माल को से एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि वायदा आता है, वायदा जल्दी लॉन्च होता है, क्योंकि इसमें इंपोर्टेड मटर भी हम डिलीवरी दे सकते हैं, तो एक मैकेनिज्म मिल जाएगा इंपोर्टर को कम से कम एग्जिट करने का, लॉस होना अलग चीज है, लेकिन एग्जिट हो गया अपने पैसे जो है वो वापिस इंपोर्टर जो है वो ले पाएंगे और उसको उठा पाएंगे। तो मुझे बताइए बलदेवा जी, ये किसके फायदे के लिए शुरू किया जा रहा है? प्राइस डिस्कवरी किसानों के लिए की जाती है या व्यापारियों के लिए? इसमें हमें 3 चीजें अलग अलग देखनी होगी। इस इंडस्ट्री के 3 पार्ट हैं, व्यापारी, कंज्यूमर और किसान, तीनों के हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ जो 40% हमारे किसान है वो कंज्यूमर भी है, और जो स्टेक होल्डर है, जो इंडस्ट्री है, वो भी कंज्यूमर है, लेकिन हमें किस चीज की कमी है, किस चीज में हमारे पास ज्यादा माल है, उसको हमें करना होगा। प्राइस डिस्कवरी 100% होगी, क्योंकि जब हम आगे के वायदे खोलेंगे तो हम ये देखेंगे आगे आगे के वायदे भी डाउनवर्ड की साइड में होंगे, न कि अपवर्ड की साइड में होंगे, क्योंकि हमने अक्टूबर तक का इंपोर्ट खोल रखा है। हम अक्टूबर में रशिया की मटर भी जुलाई अगस्त से चालू हो जाएगी, और कनाडा से, जिससे हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, वहां की मटर भी हमारे यहाँ आने चालू हो जाएगी, तो क्योंकि जी सितंबर अक्टूबर। आपकी बात समझ में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, दाम घट के 37 हो गया, इसलिए प्राइस सपोर्ट के लिए ये किया जा रहा है, राइट सर? और ये एक एग्जिट हो इन्फ्लेशनरी जाएगा, कदम है। मैंने ये कहा एग्जिट हो जाएगा कम से कम आज। हाँ, यदि हम चाहते हैं तो 35 रुपए तक भी हम माल बेचना चाहे माल नहीं बिकेगा, नहीं तो करीबन 36-37 जहाँ पे भी है, कम से कम हेज करके इंडस्ट्री जो है अपना अपने बलदेवा लॉस जी, को कम सर करे। सवाल सुनो ना आप मेरा, प्राइस को सपोर्ट करने के लिए खोला गया, इन्फ्लेशनरी कदम है ये, इससे दूसरी दालों के लिए भी हेज करने में आसानी होगी। देखिए, प्राइस डिस्कवरी केवल किसानों के लिए नहीं होती, प्राइस डिस्कवरी इंडस्ट्री के लिए भी होती है। यदि इंडस्ट्री में कोई भी इंपोर्टर चाहेगा कि नहीं मुझे तो, जो कि अक्टूबर तक खोल रखा है, नया माल भी आएगा, मुझे इससे निकलना है, तो वो माल बेचेगा, हेज करेगा, माल की डिलीवरी होगी, जिसको मिल वाले को लेना है वो मिल माल लेने जाएगा। रही बात हमारी किसानों की फरवरी में मटर आती है, फरवरी से पहले मटर नहीं आती है, तो प्राइस डिस्कवरी किसानों के लिए भी रहेगी। यदि आगे का मटर उसको 32 रुपया 33 रुपया दिखाई देगा, तो उसको मटर की बुआई करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में भी वो सोच सकेगा सितंबर अक्टूबर में जब बुआई होगी। तो प्राइस डिस्कवरी तीनों के लिए हो। अच्छा दिनेश जी, एक आखिरी सवाल, इससे दाम कितना आपको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा, ऊपर जाएंगे? अभी जो 35-37 चल रहे हैं, कितना ऊपर तक जा सकते हैं बल्लेबाज जी? आपसे ही हेज करने आ जाएगा, क्योंकि जो इंपोर्टर की जो कॉस्टिंग है वो 40-41 रुपए के आसपास है। यदि 40-41 के आसपास रहेगी तो सारे इंपोर्टर जो है यहाँ पे माल बेचने को आ जाएंगे। मिलर जो है वो कहाँ लेता है, प्राइस डिस्कवरी वहां होगी कि मिलर कहाँ लेता है। इंपोर्टर एग्जिट करने के लिए बड़ा एग्रेसिव है, ये बात पक्की है। तो प्राइस सपोर्ट हो जाएगा और 40-41 के आसपास बेचने के आ जाएगा। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सोमानी जी, आपको क्या लगता है, क्या मूव हो सकता है इस पे? नहीं, मूव बाकी बहुत अच्छा मूव है। अगर जो कमोडिटीज बैन हो रखी है वो दोबारा अगर आ रही है तो मार्केट के लिए अच्छा सेंटीमेंट है, एक पॉजिटिव सकारात्मक संकेत मार्केट के लिए दिया जा सकता है। बट एक कमोडिटी के आने से नहीं, मेरे हिसाब से इसमें चना भी आ जाए, पल्सेस भी आ जाए, और खास करके ऑयल सीड, क्योंकि
क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ रिफाइनर्स है, इम्पोर्टर्स है, इनके लिए हेजिंग टूल अवेलेबल नहीं है और इन्हें टोटल डिपेंडेंट होना होता है कि हाजिर में माल बेचे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करे। तो मुझे लगता है अगर ये सारी कमोडिटीज आती है तो सभी के लिए सकारात्मक संकेत साबित हो सकते हैं। ओके सर।